मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव गलाए लाडली बहनों के ऊपर मेहरबान नजर आ रहे हैं। हाल ही में सीएम मोहन यादव के द्वारा टीकमगढ़ से लाडली बहनों के खातिर एक और बड़ा ऐलान किया। वन्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचे सभी जनन का प्रणाम करी थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दें कि टीकमगढ़ में सीएम मोहन यादव के द्वारा ऐलान करके कहा गया कि फिलहाल 1250 रुपया बहनिन का दीन चल रहा और आवे वाले समय में बहनिन के रोजगार के खातिर नए साधन सरकार खड़ा करे वाली है। रेडीमेड गारमेंट में लाडली बहनिन का 10 से 15 हजार रुपया तक महीना देवावे की योजना बनाई जा रही। सीएम मोहन यादव के द्वारा टीकमगढ़ में कहा गया कि विंध्यवासिनी माई और सबके आशीर्वाद के साथ लगातार जोड़मेर के माहौल बना है। फिलहाल 1250 रुपया दीन चल रहा, लेकिन रेडीमेड गारमेंट में लाडली बहनिन का 10 से 15 हजार रुपया महीना देवावे के ट्रेनिंग देवावे के सरकार योजना बनाए रही है। बता दें कि उनके द्वारा आगे कहा गया कि बहनिन के खातिर जौन कुछ अच्छा कर सके थे वह जरूर करे चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चालू किए जाए वाली लाडली बहना योजना के तहत शुरुआत में 1000 रुपया लाडली बहनी का दीन गे रहे, जहां बीजेपी के द्वारा अपने संकल्प पत्र में राशि का धीरे धीरे बढ़ाए के 3000 रुपया तक पहुंचावे के बात कही गई रही। फिलहाल यह राशि 1250 रुपया तक है, लेकिन सीएम मोहन यादव के द्वारा कुछ दिन पहले ऐलान कर के लाडली बहनी का 15वीं किस्त के तौर पर 250 रुपया अधिक दीन गे रहे, जो उनके तरफ से रक्षाबंधन के नेक रहा। और अब सीएम के द्वारा लाडली बहनिन के खातिर रोजगार के योजना बनावे के तैयारी कर ली गई है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा।